Good afternoon, everyone. Today we are going to start and continue same exercise 3.1. Yesterday we have done divisibility rule of 7 and recapitulate the previous rule, like divisibility rule of 2, 3, 4, 5, 9 and 10. And two new rule, divisibility rule of 6 and divisibility rule of 8. 6 mein kya tha? Ki you have to apply both the divisibility rule of 2 and 3. If both are yes, then overall yes, divisibility rule जो है 6 का वो apply हो रहा है. Then next rule था divisibility rule of 8. 8 में हमने क्या किया? Last 3 digits divisible by 8. Only you have to check only the last 3 digits. Then exercise 3.1 का जो question है divisibility rule of 7. 7 हमने किया कि once digit को double किया और remaining number से minus किया. ये तब तक हमने प्रोसीजर को स्टेप्स को फॉलो करना है जब तक हमें 2 डिजिट और 1 डिजिट का नंबर ना मिल जाए. व्हेन वी गॉट दैट नंबर देन वी हैव टू चेक कि दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7. इफ ओके डिविजिबल है प्रॉपर्ली देन इट मीन डिविजिबल बाय 7, अदरवाइज नो. राइट दीपांशी एंड तृप्ति बच्चे म्यूट योरसेल्फ. यस नाउ टुडे वी आर डूइंग divisibility rule of 11. This is also very interesting divisibility rule of 11. And yesterday I forgot as how to explain verify your answer. Yesterday I have not explained how to verify your answer, but today I'll explain. Okay, how to verify your answer and same verification you will apply on divisibility rule of 7. Right? So, सबसे पहले हम 11 का rule start कर रहे हैं. वो rule कैसे करना है? We will do two questions, question number A and B. A and B, right? So first of all, start from question number A. Number is given 3,644. Please listen the rule. सबसे पहले आप अच्छे से rule को listen कर लो. अगर आपको ये भी rule एक बार में समझ आ गया, then you can do each and every question. ठीक है? इसके लिए हमने क्या करना है? First जो सबसे पहले first step है, वो ये है कि आपने यहाँ पे वंस डिजिट, मैं फिर से रिपीट करूंगी, ये वाला जो डिजिट है वंस प्लेस पे, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड. ठीक है, आपने उसके ऊपर ऑड इवन लिखना है. ऑड इवन वंस से स्टार्ट किया, ये है ऑड, ऑड इवन, ऑड इवन. आपने थाउजेंड से नहीं स्टार्ट करना, जब भी उसको ऑड इवन लिखना है तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वंस. जो वंस प्लेस वाला डिजिट है उसको ऑड इवन, ऑड इवन. और ये ऑड इवन वो नहीं है कि आप इनमें से चूज करो, अच्छा फोर तो इवन है लेकिन मैम ने इसको ऑड लिखा है, नहीं. वो हम ऑड इवन नंबर की बात नहीं कर रहे, हम उसकी पोजिशन की बात कर रहे कि कौन सी पोजिशन पे है, कौन से प्लेस पे है. ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, वंस प्लेस डिजिट से स्टार्ट करोगे, ऑड इवन, ऐसे एक एक नंबर छोड़ के. ठीक है, ऑड इवन, ऑड इवन. अगर नेक्स्ट नंबर होता तो वो क्या बनना था, ऑड बनना है. ठीक है, अगर उससे नेक्स्ट हो तो वो क्या बनेगा, इवन बनेगा. स्टार्ट हमेशा ऑड से करना है और स्टार्ट हमेशा वंस प्लेस से करना है. राइट, अब इसका फॉर्मूला क्या है, जैसे हम हर एक रूल को जब करते हैं तो उस रूल को लिखते हैं ना, तो रूल को लिखना कैसे है, सम ऑफ डिजिट्स, sum of digits on odd places is equal to sum of digits on odd places. इसका क्या मीनिंग है कि जो डिजिट्स ऑड प्लेसेस पे हैं उनको प्लस करना है. लाइक ऑड प्लेस पे कौन कौन से डिजिट है, ओनली 6 एंड 4 है ना. एक तो 6 वाला ऑड प्लेस पे है, एक 4, तो 6 प्लस 4 is equal to 10. Right? Next step आएगा हमारा, sum of digits on even places. अब even places पे कौन से digit है, एक तो 3 है, एक 4 है, तो 3 plus 4 is equal to 7. यहां तक सबको clear हो गया. सबसे पहले क्या करना है आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द वंस प्लेस डिजिट यू विल राइट ऑड इवन, ऐसे सीक्वेंस फॉलो करनी, ऑड इवन, ऑड इवन. ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स ऑन ऑड प्लेसेस, आई एम रिपीटिंग अगेन, मैं कोई ऑड और इवन नंबर की बात नहीं कर रही हूँ,
कोई बच्चा इसमें कंफ्यूज मत होना कि मैम यहाँ तो ऑड इवन नंबर तो गलत है, नंबर नहीं उनकी पोजीशन उनकी प्लेस, ठीक है। तो ऑन ऑड प्लेसेस दो जो नंबर है उनको प्लस कर दिया, इवन प्लेस पे जो नंबर है उनको प्लस कर दिया। यहां तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? डिफरेंस। आपने क्या करना है? डिफरेंस। डिफरेंस का क्या मीनिंग होता है? माइनस, ठीक है। 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। ये जो आंसर आया और ये आंसर दोनों को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो 10 माइनस 7 क्या हो गया? 3। अब आपने चेक कर लेना कि 3 जो है क्या 11 के टेबल पे आएगा? 3 का 3 जो है 11 के टेबल पे? नो, नहीं ना। तो ये क्या हो गया आंसर हमारा, क्या हो गया ये वाला जो नंबर है 3644 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, इज नॉट डिविजिबल बाय 11। एक्सक्यूज मी मैम यस मैम, मुझे ना आखिरी का डिविजिबिलिटी स्टेप नहीं समझ आया। तो मैं तो अभी रिपीट कर रही हूँ, आपको लगता है कि मैम कभी एक बार समझा के उसको दोबारा एक्सप्लेन ही नहीं करते? मैं तो हर एक स्टेप को 2-3 टाइम, मैं अभी तो वेट कर रही थी कि मैं समझाऊं फिर से, अभी तो मैम ने इसको एक बार और एक्सप्लेन करना है फिर से, तो बेटर टू लिसन केयरफुली। ओके, एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम, जो आपने जैसे कहा कि जो 3644 है मैम उसके ऊपर हमने लिखा है ऑड इवन ऑड इवन, मैम हमने ऐसे ही लिखना है ऑड इवन ऑड इवन? हाँ जी ऐसे ही लिखना है, कह तो रही हूँ एक ऑड एक इवन, स्टार्ट ऑड से करना है। हाँ जी, अब मैं फिर से स्टेप समझा रही हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया? सम ऑफ डिजिट ऑन ऑड प्लेसेस, जो ऑड प्लेसेस पे उनको प्लस कर लिया। सेकेंड में इवन वाले प्लेसेस में प्लस कर लिया। थर्ड स्टेप में हमने दोनों को जो नंबर हमारा आंसर आया उसको माइनस किया। जो माइनस करके नंबर आया उसको आप चेक कर लो कि वो 11 के टेबल पे डिविजिबल है। 11 के टेबल पे तो पता है ना कि 11 वन्स आर 11, 11 टूज आर 22, लाइक दिस पे, ठीक है। तो वो क्या है, ये नंबर जो है 11 के टेबल पे डिविजिबल नहीं है। जैसे 7 का चेक किया था वैसे ही यहाँ पे है, 11 के टेबल पे चेक कर लेना है। तो ये नंबर क्या है, इज नॉट डिविजिबल बाय 11। और वेरिफिकेशन में दोनों क्वेश्चंस की इकट्ठी समझाऊंगी, बिकॉज वेरिफिकेशन में कुछ नहीं है, वो एक डिवीजन ही करके देखनी है, वो मैं कंबाइन एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट बी क्वेश्चन पे, बिकॉज दिस इज अ 4 डिजिट नंबर एंड दिस इज अ 5 डिजिट नंबर, सो आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन द डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस क्या है वो आप समझ लो। सेम प्रोसीजर, कुछ भी चेंज नहीं होना, कुछ भी चेंज नहीं होगा। स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस, वंस प्लेस से स्टार्ट किया, ये ऑड है, इवन ऑड इवन ऑड, ठीक है। आगे कोई और डिजिट होता तो वो बन जाना था इवन, राइट। और इधर से स्टार्ट करना है लेकिन वंस प्लेस से, ऑड इवन ऑड इवन ऑड, सेम वही फिर से। सम ऑफ डिजिट्स ऑन ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनको प्लस करो, 2, 3 और 3। ये 3 डिजिट्स हैं जो ऑड प्लेसेस पे हैं, इनको प्लस किया तो आ गया हमारे पास 8। देन नेक्स्ट, सम ऑफ डिजिट्स ऑन इवन प्लेसेस, डिफरेंस। प्लीज अदरवाइज परम मैम ने सबको म्यूट करना है, प्लीज डोंट अनम्यूट इन बिटवीन द क्लास। 8 - 7 इज इक्वल टू 1। तो क्या जो 1 है वो 11 के टेबल पे डिविजिबल है? 11 के टेबल में 1 आ रहा है? नो मैम, यस। अच्छा तो बताइए कहाँ पे आएगा? यस कह रहे हो, अदरवाइज तो बीच में म्यूट करना ही नहीं है। इज नॉट डिविजिबल, 11 के टेबल में 1 आ रहा है, एक न्यू टेबल आ गया कोई, इज नॉट डिविजिबल बाय 11। टेबल लग रहा है आप सब भूल गए हो, लर्न टेबल डेली। नाउ आई विल इरेज दिस क्वेश्चन। अब मैं वेरीफाई जो है वो बी पार्ट की एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिकॉज वेरिफिकेशन इज सेम,
ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन, चाहे डिविजिबिलिटी रूल 7 का हो, 11 का हो, कोई भी रूल हो, उसका वेरिफिकेशन कैसे करनी है, वेरीफाई, वेरीफाई कुछ नहीं है, इसी क्वेश्चन की कर लो चाहे आप, आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, इस नंबर को 11 से डिवाइड करना है, सिंपल डिवीजन सबको आती है ना, तो 11 से डिवाइड कर लिया। मैम हमने वेरीफाई लिखनी है। हाँ जी लिखनी है। अब देखो जब आप वेरीफाई करोगे, वेरीफाई में जो भी गिवन नंबर होगा उसको आपने 11 से डिवाइड करके देख लिया, अगर तो रिमाइंडर जीरो हुआ, इट मीन वो नंबर प्रॉपरली डिविजिबल है, ठीक है, अगर डिविजिबल हुआ तो। अगर यहाँ पे कोई रिमाइंडर आ रहा है, इट मीन वो डिविजिबल नहीं है, तो हमारा आंसर मैच कर रहा है दोनों में। देखो यहाँ पे जब हमने रूल अप्लाई किया तो नॉट डिविजिबल आया, सेम यहाँ पे जब हमने डिवीजन करके वेरीफाई किया तो भी हमारे पास नो ही आया, तो इट मीन आवर क्वेश्चन इज राइट। मैम हमें ये लिखना है डिवाइड वाला, ये लिखना है बिल्कुल, नोट डाउन कर लो, डिवीजन है एक की तो वेरिफिकेशन नोट डाउन कर लो। मैम दोनों की के एक की? नहीं नहीं इसी की, ओनली बी पार्ट की, बिकॉज ऑल आर सेम, चाहे आप कल वाले जो क्वेश्चन है वो भी डिविजिबिलिटी बाय 7 था, तो उसमें 7 से डिवाइड करके चेक कर लेना है कि यहाँ रिमाइंडर तो नहीं आ रहा, जीरो आनी चाहिए, अगर यस डिविजिबल है आपके इस क्वेश्चन, अगर नो है तो यहाँ पे कुछ भी आपका रिमाइंडर आएगा। एक्सक्यूज मी मैम। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 पेज नंबर सेम है, एक्सरसाइज 3.2 पेज नंबर 42 हियर चेक वेदर द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहां आपने डिविजिबिलिटी रूल 11 का लगाना है, डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 का रूल लगाना है, ये अब न्यू रूल है, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 के रूल के लिए क्या है, आपने जब इस तरह के आपको रूल आ जाएंगे इस एक्सरसाइज में, देखो 12 का रूल है, 15 का है, 20 है, 24 है, उन सब के लिए एक ही कॉमन मेथड है, ओनली वन कॉमन मेथड, ठीक है, जितने रूल है इसमें पुराने वाले रूल्स को हम साथ में ऐड करते जाएंगे, लाइक जब आपने डिविजिबिलिटी रूल 12 का करना है तो आप चेक करोगे कि कोई भी 2 को प्राइम नंबर लेने, एंड यू नो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, सबको पता है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर आपने फोर्थ क्लास में किए होंगे, वो नंबर है जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 है, जो किसी आपस में दोनों टेबल किसी भी कॉमन टेबल पे डिविजिबल नहीं होते, वो होते हैं को प्राइम नंबर, और वी कैन से हूज HCF इज 1, ठीक है, को प्राइम नंबर कौन से 2 आपने चूज करने हैं जो एक दूसरे के टेबल पे डिविजिबल ना हो, दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है, लाइक अब 12 है, 12 के लिए आपने कोई 2 टेबल सोचने, चलो चैट बॉक्स में 2 and 3 जा तो 6 है निधिमा, आपने जो 2 उसको डिवाइड ऐसे करना है कि उसको कहते ब्रेक करना है नंबर को, 12 है तो कौन से 2 टेबल पे होएगा, 6 यजत ने कहा 6 2 12, 6 2 12 रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है यजत, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने कहा कि आपने वो को प्राइम नंबर लेने हैं जिन वो एक दूसरे के टेबल पे ना जा रहे हो, अब आप 2 और 6 कह रहे हो, अब 2 के टेबल में 2 1 2, 2 के टेबल में 6 भी आ रहा है, 2 3 6, तो हम ये नंबर नहीं ले सकते, वेरी गुड एंजल, 3 4 12, दिस इज द राइट आंसर, तो क्या करना है आपने, डिविजिबल बाय 3 and 4 बोथ, ये आपने रूल बना लिया कि 3 4 12 है, 3 के टेबल में 4 नहीं आ रहा और 4 के टेबल में 3 नहीं आ रहा, इट मीन ये क्या है, यस है, हम इस तरह नंबर को ब्रेक करें, समझ आ गया सबको,
को प्राइम नंबर फोर्थ क्लास में भी किया था, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, वो नंबर है जिनका ओनली वन ही कॉमन फैक्टर है, कि थ्री वन जा थ्री और फोर वन जा फोर, ओनली वन कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अगर हम टू सिक्स जा ट्वेल्व ले रहे हैं तो उसमें टू के टेबल में सिक्स आ रहा है, लेकिन नहीं लेना, वो दो टेबल चूज करने हैं जो एक दूसरे के टेबल पे उसको डिविजिबल नहीं है। क्लियर? मैं इसको फिर से, कोई बात नहीं, नेक्स्ट फिर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तब हम इसको और अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। मिस पर राइट इन चैट बॉक्स। अब क्या किया, नंबर को ब्रेक कर लिया, नंबर को ब्रेक किया थ्री फोर जा ट्वेल्व, ठीक है, क्योंकि थ्री और फोर जिसका ओनली वन ही कॉमन फैक्टर है और कोई नहीं है। मैम टू के टेबल में फोर, हाँ टू के टेबल में फोर आ रहा है, बट हमने टू तो लिया ही नहीं है, यहाँ तो हमने थ्री और फोर ही लिया है, टेबल थ्री और फोर का चूज किया है, ठीक है, थ्री के टेबल में फोर नहीं आ रहा, फोर के टेबल में थ्री नहीं आ रहा, राइट। वी नीड टू वेरीफाई, यस यू कैन वेरीफाई, सेम वेरिफिकेशन है, तो आप वो सेवन में करोगे, ठीक है। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर ए चूज करते हैं, 4684, बहुत सिंपल है ये सारे क्वेश्चन, हाँ जी होमवर्क में, तो ये इन क्वेश्चंस में क्या है, सिर्फ आपको ये पहले क्लियर होना चाहिए कि मैंने वो रूल को टू पार्ट्स में कैसे ब्रेक किया, उसके बाद अब आपने क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल थ्री का अप्लाई करना है, डिविजिबल डिविजिबिलिटी पूरा ही लिख लो कंप्लीट, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ थ्री, थ्री का रूल क्या है, थ्री का रूल, एनीवन राइट इन चैट बॉक्स, सम ऑफ डिजिट्स, यस, तो सम ऑफ डिजिट्स क्या हो गए, फोर प्लस सिक्स प्लस एट प्लस फोर, इन सबको ऐड कर दो, ये हो जाएंगे 22, तो क्या 22 थ्री से डिविजिबल है, नो, तो इट मीन नो, 4684 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. पहले मैंने 3 का रूल अप्लाई किया, फिर मैंने कौन सा रूल अप्लाई करना है, 4 का, 3 और 4 दोनों रूल अप्लाई करने हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, 4 का रूल क्या था, लास्ट टू डिजिट्स, इसीलिए रिकैप्चुरेशन करवाई थी कि आपके ये प्रीवियस रूल यहाँ पे वर्क करेंगे, 4684 है, लास्ट के टू डिजिट्स, 84 इज डिविजिबल बाय 4, आई थिंक यस डिविजिबल, यस, सो यस 4684 इज डिविजिबल बाय 4, बट कल जब हमने 6 का रूल किया तो सब किसी को याद है कि मैम ने क्या कहा था, कि ओवरऑल जब हम चेक करेंगे तो दोनों में क्या होनी चाहिए, यस होनी चाहिए, दोनों में से किसी एक में भी नो है तो क्या होएगी, वो नो होएगी। नाउ टेल मी द आंसर, कि इस क्वेश्चन का ओवरऑल क्या आंसर है, यस गुड, इट मीन नो ओवरऑल जो है 4684 इज नॉट डिविजिबल By 12, yes, clear हो गया। मैं फिर से repeat कर रही हूँ इस question को। इस question में आपने बस इस main जो है, आपने इस part पे work करना है कि जो आपको number given है, उसको two parts में break करना है। All the Zoom class is black. I can't see anyone. Only black. Angel. आप ऐसे करो बच्चे, मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन करो, मे बी सम नेटवर्क इश्यू फ्रॉम योर साइड। हाँ जी, तो इसमें क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले आपने चेक कर लिया कि इसको ब्रेक कैसे करना है, वो कोई ऐसे टू टेबल चूज करने हैं जो एक दूसरे के टेबल पे डिविजिबल ना हो, को प्राइम नंबर, ठीक है। 12 जो है वो 2 6 12 बन सकता है, लेकिन 2 और 6 जो है 6 के 2 के टेबल में 6 आ रहा है तो उसके एक से ज्यादा फैक्टर बन जाएंगे, तो वो नंबर हम नहीं चूज कर रहे, ठीक है। तो हमने क्या चूज किया उसके लिए, 3 4 12, तो डिविजिबिलिटी रूल 3 का अप्लाई करना है और 4 का अप्लाई करना है। वी फाउंड फैक्टर्स, यहाँ पे फैक्टर्स आप नहीं, वो आप HCF कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज तो आपको फोर्थ में इतनी प्रैक्टिस करवाई है कि आपके तो टिप्स पे होने चाहिए कि कौन से को प्राइम नंबर होते हैं। हाँ जी हितेश, यू कैन राइट हियर इन चैट बॉक्स। सो
एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे, मुझे लग रहा है उससे आपको ये डाउट सबके और क्लियर हो जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट डाउन दिस क्वेश्चन, नोट डाउन करो, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. मैम वी चूज एनी नंबर, आप कोई ऐसे नंबर चूज करोगे जो 12 के 12 को ब्रेक करना है. अब ये तो है नहीं कि मैं कहूं मैंने 3 और 5 चूज कर लिया, तो वो तो बनेगा 3 5 15 बन जाएगा ना, तो वो नहीं लेना, हमने 12 को ब्रेक करना है. नो नीड टू वेरीफाई हेयर, ओनली सिंपल डिविजिबिलिटी रूल है, यहाँ पे आपने कोई वेरिफिकेशन नहीं करनी, ठीक है. अदरवाइज आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि मेरा आंसर राइट है कि रॉन्ग है, तो आप इस नंबर को 12 से डिवाइड करके देख लेना अपने रफ वर्क में, तो वो वेरिफिकेशन हो जाएगी, राइट. आई होप ऑल हैव नोटेड डाउन दिस क्वेश्चन सो दैट वी विल मूव. मैम इज द नंबर फ्रॉम 3 एज इट इज इंपॉर्टेंट टू डू विद 4. अब 3 और 4 का ही जब 12 को ब्रेक कर रहे हो ना, आई विल गिव द टाइम असीस, आपको मैं टाइम दूंगी बच्चे अनम्यूट करने के लिए, ठीक है. मैम कह रहे हैं 5 मिनट जो लास्ट होंगे उसमें मैम आपको अनम्यूट करेंगे, सो प्लीज. एंजल आपने अभी स्टार्ट किया है, ओके डू फास्ट, अदरवाइज एंजल यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. Angel, take screenshot. Because all questions are same, जो मैं next question करवा रही हूँ. Next question जो start करना है वो divisibility rule 15 का करना है. So those who have done, they will write which two divisibility rule we apply on 15. Shabash, write in chat box. Those who have done. चैट बॉक्स में मेंशन करो कि 15 को कैसे ब्रेक करना है, कौन से 2 को प्राइम नंबर लेने हैं जो 15 बन जाए, कौन से 2 टेबल चूज करोगे. हरी अब वेरी गुड, 5 3 15 शाबाश. 4 5 20 होते हैं, तो 4 5 20 नहीं आ सकते, 3 5 15 और 5 3 15 बोथ आर सेम, राइट. तो दोनों ही सेम है, चाहे आप 5 3 कह लो या 3 5 कह लो, इट मीन सबको ये रूल क्लियर है. अब 15 1 15 तो ले नहीं सकते, नहीं ना, ठीक है. तो स्टार्ट करें 3 5 15, इस तरह आप नंबर को ब्रेक करोगे. चलो तब तक वर्क हो रहा है, एक और कर लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा. 20 को ब्रेक करना, जरा चैट बॉक्स में 20 को ब्रेक करो, 20 के 2 को प्राइम नंबर लो, 20 4 5 20, ओके वेरी गुड, 4 5 20, यस राइट, वेरी गुड. 2 10 20 भी होते हैं, आ सकते हैं, आ सकते हैं, नो क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि 2 के टेबल में 10 आ रहा है, ठीक है. तो 2 10 20 नहीं बन सकते क्योंकि वो को प्राइम नंबर नहीं है. अब तो क्लियर हो गया होगा कि को प्राइम नंबर कैसे इसको हम ब्रेक कर रहे हैं नंबर को, तो स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट रूल. हाँ जी, 15 का रूल है सेकेंड क्वेश्चन में, 3 and 5, तो सेम. अब इसके लिए तो मुझे कुछ वर्क नहीं करना ना, आप खुद ही कर लोगे. डिविजिबिलिटी रूल 3 का अप्लाई करो और 5 का करो, मैम अपना कर रहे हैं, ठीक है, बाद में कंपेयर करना. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, सम ऑफ डिजिट्स, सॉरी पहले नंबर मैम ने मेंशन ही नहीं किया. ए क्वेश्चन करना है, ए क्वेश्चन है 44,175, ये नंबर है, ठीक है. तो सबसे पहले अप्लाई करो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, सम ऑफ डिजिट्स. अब सब डिजिट्स को प्लस कर दो, 4 + 4 + 1 + 7 + 5, हाँ जी 21. तो 21 3 के टेबल पे डिविजिबल है, यस, 3 7 21, तो ये आ गया हमारे पास यस. आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, यस और नो, एंड में हम ओवरऑल आंसर करेंगे, ठीक है. आप इसको सिंपल लिख दो कि यस, देन डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5. 5 का क्या रूल है,
फाइव का रूल क्या है, लास्ट डिजिट जीरो और फाइव। अब इस क्वेश्चन में 44,175 तो ये डिजिट ऑलरेडी है, फाइव ही है, ठीक है, तो इट मीन ये क्या हो गया हमारे पास, यस फाइव पे हो गया डिविजिबल। दोनों में यस है, दोनों में यस है, तो आप ओवरऑल में लिखोगे यस 44,175 इज डिविजिबल बाय 15। अब क्लियर है, कुछ डाउट क्लियर हुए, खुद कुछ डाउट्स क्लियर हो गए कि हमने नंबर को ब्रेक कैसे किया। मैं तभी कहती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप चला करो, वेट किया करो। साइड बाय साइड दोज हु हैव डन दे कैन फिल गूगल फॉर्म ओके फॉर अटेंडेंस। इसके बाद दोज हु हैव डन ना, आपको अब तो सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे ना, तो थर्ड क्वेश्चन का भी ए पार्ट कर दो जल्दी से। 20 के आपने ऑलरेडी ब्रेक कर लिए, 20 को सबने ब्रेक कर दिया। जसनूर सिंह मैम प्लीज अनम्यूट जसनूर सिंह। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 20, और 20 के लिए सबने बना लिया कि 4 5 जा 20, 2 10 जा 20 हो नहीं सकते बिकॉज 2 के टेबल में 10 आ रहा है, तो उसके 1 से ज्यादा फैक्टर जो बन जाएंगे, ठीक है, और HCF भी 1 नहीं है उसका, तो 4 5 जा 20। तो अब आपने 4 और 5 दोनों का रूल अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर ए सम है 80,130, ठीक है। अब आपने रूल अप्लाई करना है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। 4 का रूल क्या कह रहा है, लास्ट टू डिजिट्स, ये वाला 30। तो 30 क्या 4 पे डिविजिबल है, नो, 4 7 का 28, 30 नहीं है, तो यहां लिख दोगे नो। देन डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, 5 में वही क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट, इस क्वेश्चन में हमारा क्या आ रहा है, जीरो, और फाइव है तो इस क्वेश्चन में हमारा जीरो आ रहा है, तो इट मीन ये है यस। अब देखो जो जसनूर का क्वेश्चन था वो है नो और यस, दोनों में से किसी एक में भी नो आ गया, चाहे पहले नो आ जाए चाहे बाद में आए, वट एवर, ठीक है, तो दोनों में से किसी एक में भी नो है, तो ओवरऑल नो हो गया 80,130 इज नॉट डिविजिबल बाय 20। क्लियर है, बस आपने इसमें प्रीवियस वाले डिविजिबिलिटी रूल ही अप्लाई करने हैं, ठीक है,